सो क्या हाल चाल मेरी जान, वेलकम बैक अनदर वीडियो। सो भाई यार, मेरा नाम है समर एंड एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हंसते मुस्कुराते हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो भाई यार, जैसा आपने प्रीव्यू में शॉर्ट वीडियो देखा, कुछ इस तरह से शॉर्ट वीडियो आप भी अपने मोबाइल फोन से कैसे बना सकते हैं बोलो तो बहुत ही ज्यादा ईजी है मेरी जान इस तरह का शॉर्ट वीडियो बनाना, ठीक है। एंड हाँ, आई थिंक पूरे YouTube पे इस तरह का शॉर्ट वीडियो अभी तक आपको देखने को नहीं मिला होगा। एंड भाई यार, ये बिल्कुल नया है तो आप ट्राई कर सकते हो, काफी ज्यादा चांसेस है कि आपका शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाए, ठीक है। स्काई लॉर्ड भाई का शॉर्ट वीडियो आप अपने मोबाइल फोन से एडिट करके बनाओ, क्योंकि भाई अभी स्काई लॉर्ड भाई हमारे बीच नहीं रहे, बट भाई उनके इतने चाहने वाले हैं, मैं खुद उनका इतना बड़ा चाहने वाला हूँ क्या ही बताऊं, ठीक है। सो आपको इस तरह का वीडियो एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे दो ऐप की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऐप का नाम है काइन मास्टर, सेकंड ऐप का नाम है मोशन निंजा। मोशन निंजा अगर जिसके पास नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टा पे जाके मेरे मोहब्बत से डीएम कर देना तो मैं दे दूंगा, ठीक है। एंड हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन में एक स्काई लॉर्ड भाई की PNG मिल जाएगी, उसको जाके मोहब्बत से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं विदाउट बेटिंग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स मी गो स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल वीडियो। सो देखो, जिसको काइन मास्टर का नो वाटर मार्क वाला एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप इंस्टा पे जाके DM कर देना तो मैं अपना वाला काइन मास्टर दे दूंगा एंड वो सभी के डिवाइस में सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है प्लस पे एंड 9x60 का एक प्रोजेक्ट ले लेना है एंड अपने क्लिप को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको अपने क्लिप पे उस पोजिशन पे आना है जब आप हेडशॉट मार देते हो, मारने के बाद रनिंग करना स्टार्ट करने वाले होते हो, ठीक है। यहाँ पे आ जाना, आने के बाद आपको वीडियो पे टैप करना है, कैची वाले ऑप्शन पे जाना, स्प्लिट टू प्लेहेड एक कट लगा देना अपने वीडियो में मोहब्बत से। कट लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके इसका कैप्चर एंड सेव इमेज कर लेना मोहब्बत से। करने के बाद यहाँ से बैक कर देना, इस प्रोजेक्ट को छोड़ देना, ठीक है। एंड अभी आपको क्या करना है, आपने जो कैप्चर एंड सेव इमेज किया आपको उसका PNG बनाना है, ठीक है। काफी सारे बंदे को PNG बनाना पहले से आता होगा, जिसको नहीं आता कोई भी दिक्कत नहीं है मेरी जान। हमारे भाई ने इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाई है, वो भी फेस कैम के साथ। मैंने उसमें बताया है कि आप 1 मिनट के अंदर फुल HD में PNG कैसे बना सकते हो, ठीक है। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या तो वीडियो आई बटन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना एंड इजी तरीके से मोहब्बत से लव यू चुम्मा चुम्मा प्यार करके PNG बना लेना, ठीक है। बहुत इजी है PNG वगैरह बनाना, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, आपको PNG बना के मोशन निंजा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है मोहब्बत से। सो मोशन निंजा ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है प्लस पे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे 9x60 का एक प्रोजेक्ट ले लेना है एंड आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। इस बात का काफी ज्यादा ध्यान देना एंड आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आपने जो PNG बनाया है अपने कैरेक्टर का, उसको यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पे बीच में रख लेना जैसे मैं रख रहा हूँ, ठीक है। एंड अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखो मेरी जान, क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, आपका जो PNG है उस पर टाइप करना है तो आपको एडिट का ऑप्शन दे देगा, इस पर क्लिक कर देना। करने के बाद आपको यहाँ पे कटआउट का ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे क्लिक कर देना एंड आपको यहाँ पे पीपल कटआउट यहाँ पे क्लिक कर देना, यहाँ से डन कर देना, ठीक है। करने के बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना मोहब्बत से। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइबर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे लाइटिंग वाला इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 12 इफेक्ट हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे 8वें नंबर पे, ठीक है, ये वाला इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, आप भी यही कर लेना, ज्यादा बेहतर यही लगेगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद इसका जो भाई यार इफेक्ट है, अपने पूरे PNG में इसको खींचकर इंक्रीज कर लेना, ठीक है। एंड अभी आपको क्या करना है, आपका जो ये भाई लाइटिंग वाला इफेक्ट है इस पर टाइप करना है तो आपको एडिट का ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे क्लिक कर देना। करने के बाद आपको इसकी ग्लो को सेट करना है 6, ठीक है। सेट करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है हाइड का, इस पर क्लिक कर देना है मोहब्बत से। करने के बाद आपका जो कैरेक्टर रहेगा वो गायब हो जाएगा, ठीक है। एंड अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बैक कर देना। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना एंड इस वीडियो को अपनी गैलरी में मोहब्बत से एक्सपोर्ट कर लेना। करने के बाद आपको अगेन यहाँ पे मोशन निंजा के होम पेज पे आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना प्लस पे एंड 9x60 का एक प्रोजेक्ट ले लेना एंड आपको ब्लैक बैकग्राउंड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना एंड यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है।
करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना है एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में स्काई लोड का एक पीएनजी दिया है, उसको जाके डाउनलोड कर लेना मोहब्बत से एंड उसको यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको इसको इस तरह से यहाँ पे जूम कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एंड अभी आपको क्या करना है, आपको पीएनजी पे टाइप करना है एंड आपको यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कटआउट, यहाँ पे क्लिक कर देना पीपल कटआउट। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे जाना है इफेक्ट्स पे। जाने के बाद आपको यहाँ पे साइबर वाले ऑप्शन पे चले जाना। जाने के बाद आपको यहाँ पे फायर वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला ये वाला इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर लेना। करने के बाद इसको खींचकर अपने पूरे पीएनजी में रख लेना। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपका जो इफेक्ट है ठीक है फायर वाला, इस पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद ये आपको एडिट का ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे क्लिक करना एंड आपको यहाँ पे ग्लो को सेट कर लेना है 8। ठीक है, सेट करने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना है एंड आपका जो पीएनजी है इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। ठीक है, करने के बाद आपको भाई एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इस वीडियो को मोहब्बत से अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेना एंड मोहब्बत से काइन मास्टर को भी भैया ओपन कर लेना। ठीक है, सो काइन मास्टर को ओपन करने के बाद आपको नया एक प्रोजेक्ट ले लेना है 9x60 का। ठीक है, लेने के बाद आपने जो स्काई लोड भाई का वीडियो एक्सपोर्ट किया था मोशन निंजा से उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है एंड आपने जो पीएनजी बनाया है रिमूव बीजी से उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे रख लेना एंड आपको अगेन यहाँ पे जाना है लेयर पे, मीडिया पे एंड आपने जो भाई लाइटिंग वाला वीडियो बनाया था अपने करेक्टर का उसको यहाँ पे ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आपको इसके ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद आपको इसको स्क्रीन कर देना। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपका जो भाई लाइट वाला वीडियो है इसको अपने पीएनजी के ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है। ठीक है, जब आपका अच्छे से सेट हो जाए तो आपको क्या करना है, आपका जो पीएनजी है इस पर टाइप करना मोहब्बत से एंड 3 कॉर्नर पे क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देना। ठीक है, इतना काम हम लोग का कंप्लीट हो गया एंड अभी आपको क्या करना है, आपका जो स्काई लोड वाला वीडियो है इस पर टाइप करना एंड आपको यहाँ पे क्लिप ग्राफिक्स पे आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे कॉल मी डीजे वाला इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, जिसके में नहीं है तो आपको क्या करना है, मैंने एक वीडियो बनाई है ब्रांडेड एफएफ भाई के जैसा मोनेटाइज वीडियो कैसे एडिट करें। ठीक है, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या तो वीडियो आई बटन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। मैंने उस वीडियो के एंड में आपको बताया है कि आप कॉल मी डीजे वाला इफेक्ट अपने काइन मास्टर में कैसे ऐड कर सकते हो, वो भी 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो वो वीडियो जाके देख लेना एंड कॉल मी डीजे वाला इफेक्ट अपने काइन मास्टर में ऐड कर लेना। ठीक है, एंड अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 4 नंबर वाले इफेक्ट पे क्लिक कर देना है एंड इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना अपने वीडियो के हिसाब से। ठीक है, एंड अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग की वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पे चमकने लगेगी एंड इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है एंड आपने जो काइन मास्टर में सबसे पहले प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है मोहब्बत से। तो मैंने यहाँ पे काइन मास्टर में उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है जो बहुत पहले छोड़ के गया था। ठीक है, एंड अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है प्लस पे जहाँ पे आपने कट दिया है, यहाँ पे आ जाना। आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है मीडिया पे एंड आपने जो काइन मास्टर से अभी अभी वीडियो को एक्सपोर्ट किया था उसको यहाँ पे ऐड कर लेना मोहब्बत से। ऐड करने के बाद मेरी जान यहाँ पे देख सकते हो हम लोग की वीडियो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, एंड अभी आपको क्या करना है, आपका जो ये वाला क्लिप है मेरी जान इस पर टाइप करना है मोहब्बत से एंड इसके क्लिप ग्राफिक्स में जाना है। जाने के बाद आपको कॉल मी डीजे वाले इफेक्ट पे क्लिक कर देना है एंड 4 नंबर वाला ये वाला ऑप्शन, ठीक है, इस पे यहाँ पे एक बार फिर से इसी इफेक्ट को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बिल्कुल छोटा करके रख देना है, बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद मेरी जान हम लोग की वीडियो कुछ इस तरह से दिखेगी एंड अगर आपको इसमें आईडी वगैरह ऐड करना हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप लोग जाके यहाँ से ऐड कर लेना। ठीक है, सो इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना एंड मोहब्बत से अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेना।